हेलो प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्रों का रिजल्ट का इंतजार जो है बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है आपके किसी भी वक्त सीबीएसई बोर्ड अनाउंस कर सकती है। इसकी जानकारी जो है कल सीबीएसई बोर्ड ने खुद जो है डिजी लॉकर के माध्यम से ऑफिशियली ट्वीट करके जानकारी दी कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, छात्रों को जो है डिजी लॉकर की तरफ से जो है मैसेजेस भी आने शुरू हो गए। ऐसा तब होता है जब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट जो है अनाउंस करने वाली होती है, यानी क्लास 10 के छात्रों का रिजल्ट को इंतजार जो है ऑलरेडी काफी कर चुके हैं, तो ऐसे में छात्रों का इंतजार जो है और ज्यादा डिले नहीं होगा। क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर जो है मीडिया भी, देश भर की मीडिया भी, अलग अलग मीडिया जो है एक्सेप्ट करने लगी है कि क्लास 10 का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड जो है कल भी अनाउंस कर सकती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर का खुद का ही ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है मोस्ट लाइकली जो है 20 जुलाई तक ही जारी किए जाएंगे। आपको सबसे पहले यहां पे दिखाता हूं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संजय भारद्वाज जी ने क्या कहा था। क्लास 10 रिजल्ट विल बी डिक्लेयर मोस्ट लाइकली, यहां पे जो है मोस्ट लाइकली बाय 20 जुलाई, तो ऐसे में बात करें तो आज 19 जुलाई है और कल की बात करें तो कल 20 जुलाई है, तो ऐसे में देश भर की बड़ी बड़ी मीडिया जो है क्लास 10 रिजल्ट को लेकर यह दावा कर रही है कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है सीबीएसई बोर्ड कल 20 जुलाई को भी जारी कर सकती है। यानी कि पूरी तरीके से जो है क्लास 10 रिजल्ट को लेकर जो है सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है देश भर की मीडिया क्लास 10 रिजल्ट को लेकर लगा रही है। और यह सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो है सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संजय भारद्वाज जी का भी है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है 20 जुलाई तक भी जारी किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें डिले की भी बात है जो क्लास 10 के छात्रों को जो है माइंड में रखना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर ने संजय भारद्वाज ने क्लास 10 रिजल्ट को लेकर जो है डिले की भी बात कही है। लेकिन देश भर के छात्रों की नजर जो है सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल स्टेटमेंट पे है, जो क्लास 10 रिजल्ट को लेकर जो सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संजय भारद्वाज ने बार बार जो है ये दोहराया है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है 20 जुलाई तक भी जारी किए जा सकते हैं और 20 जुलाई कल ही है। ऐसे में जो है एक्सेप्शन और भी ज्यादा इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो है डिजी लॉकर के माध्यम से जो छात्रों को जो है मैसेजेस भी जो है प्रोवाइड कराना शुरू कर चुके हैं। और डिजी लॉकर का खुद का ऑफिशियल ट्वीट भी ये दर्शाता है कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है आने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। डिजी लॉकर का ऑफिशियल ट्वीट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिजी लॉकर ने ऑफिशियली ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है, यानी क्लास 10 रिजल्ट जो है कमिंग सून जो है आपका डिजी लॉकर की तरफ से मैसेज किया गया है। और ऐसा तब होता है जब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है आने वाले होते हैं, बहुत ही जल्द आने वाले होते हैं। तो क्लास 10 रिजल्ट को लेकर है जो पूरे देश भर में एक्सेप्शन जो है कल की लगाई जा रही है। अब बात करते हैं आप लोग के क्वेश्चंस का, लेकिन ओवरऑल आप लोग समझिए कि क्लास 10 रिजल्ट को लेकर जो है देश भर के तमाम एक्सेप्शंस क्या हैं। सीबीएसई बोर्ड के जो है आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक जो क्लास 10 रिजल्ट को लेकर दिए गए थे उसके मुताबिक सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है कल भी जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि 20 जुलाई सीबीएसई बोर्ड का ही स्टेटमेंट है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा था कि 20 जुलाई तक जो है क्लास 10 का रिजल्ट जो है पूरी कोशिश की जाएगी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि 20 जुलाई को जारी कर दी जाए, लेकिन बाद में सीबीएसई बोर्ड ने डिले की भी बात कही थी तो उसको लेकर भी जो है इस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो मोस्ट लाइकली है वो क्लास 10 रिजल्ट को लेकर 20 जुलाई भी है। आगे कुछ अगर इसमें चेंजेस होगा तो सीबीएसई बोर्ड इन्फॉर्म करेगी, लेकिन जो अभी तक जो है लास्ट डेट आपका जो है 20 जुलाई ही है जो क्लास 10 रिजल्ट को लेकर सबसे पहले जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दी गई थी। क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट, तो सिंपली 5 सेकंड में डाउटनर पे करो नो से आउट। सिंपली आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनर पे। चाहे वो क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ बायोलॉजी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या देश भर की तमाम कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो, या क्लास 6 से 12 तक का क्वेश्चन हो, आईटी, जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सभी का तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा आपको डॉटनेट ऐप पे। इसके साथ ही डॉटनेट पे चल रही है डेली लाइव क्लासेस, वो भी आपके अपने लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में, जहां आपको पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस कोर्सेज का हिस्सा बनिए और आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। अब बात करते हैं आप लोग के क्वेश्चंस का, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है आरजू का। इनका सवाल है कि आई वाज नॉट पास्ड ओनली इन मैथ, ये मैथ में पास नहीं है, इनका पूछना है कि फेल होंगे या कंपार्टमेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका आंसर देता हूँ, 101% जो है आप लोग पास होंगे, आपको स्कूल कभी भी इस केस में फेल नहीं कर सकते। अब बात रही यहाँ पे दूसरा केस भी ये है कि आप मैथ में फेल होने की बात कर रहे हैं तो ये कौन कौन से एग्जाम्स में आप फेल हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आप सभी एग्जाम्स में फेल हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स जो है आपका हेल्प करेगा। अगर सिर्फ एक या दो एग्जाम्स में फेल है जिसके कारण जो है आप ये पूछ रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा या डिपार्टमेंट आएगा, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आप जो है आप सिर्फ एक या दो ही एग्जाम्स में फेल हैं तो आपको जो है अपने ही बल पे जो है आप 33% मार्क्स को रीच कर जाएंगे, आपको किसी भी ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सभी एग्जाम्स में भी जो है मैथ के फेल होंगे तो भी डरने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको ग्रेस मार्क्स देकर जो है पास कर दिया जाएगा, यानी 101% जो है आप पास हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल जो है प्रांजुल का है, इनका सवाल है कि इनके स्कूलों में जो है 3 प्री बोर्ड हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड प्री बोर्ड जो है ऑफलाइन हुए थे और तीसरे प्री बोर्ड जो है एग्जाम कैंसिल होने के बाद हुए थे, इनके कौन से मार्क्स को कंसिडर किए जाएंगे, तीनों में जो सबसे बेस्ट होंगे उस मार्क्स को है सीबीएसई बोर्ड के स्कूल जो है आपके कंसीडर करेंगे, बेस्ट 1 मार्क्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तो एवरेज भी वो लेंगे तो बेस्ट 2 को ही लेंगे, यानी 3 एग्जाम
जो आपके होंगे इन तीनों में से दो में सबसे अच्छे मार्क्स जिसके होंगे उसी को एवरेज लेंगे, और यही ऑप्शन जो है आपके स्कूलों के पास दी गई है और इसी के बेसिस पे जो है आपके मार्क्स दिए गए हैं। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्लास टेन रिजल्ट को लेकर आगे भी हम लगातार बने हुए हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड क्लास टेन रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर और भी कोई बड़ी कंफर्मेशन आती है, तो उन अपडेट को हम सबसे पहले आप तक लाएंगे। तो वीडियो से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक की हर एक अपडेट में बने हुए हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, ताकि क्लास टेन रिजल्ट को लेकर जैसी सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट आती है, रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ा कंफर्मेशन आता है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाए। इसको लेकर जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को भी जो है ऑन कर दीजिएगा, यानी ऑन करके जरूर रखिएगा। तभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।